हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है सॉडी फेजेंस ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक का नाम है सॉडी फेजेंस ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। आइए समझते हैं क्या करना है इसका मतलब। द इमिशन ऑफ वन अल्फा पार्टिकल, जब इमिशन होता है, जब निकलता है, जब एक अल्फा पार्टिकल्स किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है, वो रिड्यूस करता है मास नंबर बाय 4 यूनिट। उसका मास नंबर 4 यूनिट से उस एलिमेंट का डिक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर भी 2 यूनिट घट जाता है, ठीक है, जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकलता है। द एमिशन ऑफ वन बीटा पार्टिकल्स, अगर वन बीटा पार्टिकल्स कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है तो उसके कारण क्या होता है, कॉजेज बाय द डिके ऑफ ए न्यूट्रॉन इंटू प्रोटॉन। तो क्या होता है उसके कारण, ये होता क्यों है, बीटा पार्टिकल कोई भी जब निकलता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो इसका कारण क्या होता है कि कॉजेज बाय द डिके ऑफ ए न्यूट्रॉन इंटू प्रोटॉन। ये क्यों होता है, तो न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में, और जब बीटा पार्टिकल्स किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलता है तो उसका एटॉमिक नंबर जो होता है, इनेट एमिशन इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट से वो एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का बढ़ जाता है, लेकिन उसके उस एलिमेंट के मास नंबर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डू नॉट अफेक्ट द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। और देखिए क्या है, जब इमिशन अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन ऑफ गामा रेज, जब गामा रेज का इमिशन होता है, तो ये ना ही मास नंबर पे उस एलिमेंट का इफेक्ट करता है, ना ही एटॉमिक नंबर पे अफेक्ट करता है उस एलिमेंट के। बट लेकिन इट इमिशन चेंज द न्यूक्लियस फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ए लेस एक्साइटेड स्टेट। लेकिन हाँ, जब गामा रेज का इमिशन होता है तो ये काम ये करता है, ये चेंज कर देता है न्यूक्लियस फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट। जो न्यूक्लियस होता है एटम का, जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, हाई एनर्जी स्टेट में होता है, उसको जब गामा रेज निकलता है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो वो क्या करता है, वो न्यूक्लियस फ्रॉम ए एक्साइटेड स्टेट से टू ए लेस एक्साइटेड स्टेट पर ला देता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा। समझिए फ्रेंड्स थोड़ा सा क्या कह रहा कहना चाह रहे हैं हम।